हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन निकाय एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। लगभग 150 लोगों को रोजगार देने वाली इस एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में संघर्ष के कारण कोरोना महामारी के प्रभाव की तुलना में वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में मुश्किल उभार में और अधिक देरी होगी। इसका प्रभाव द्वीप और तटीय स्थलों में सबसे अधिक महसूस होगा। वर्ष 2021 में तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी वियतनाम। देखिए, श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिंद्रा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच यह निर्णय किया है। मालूम हो कि राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से साल 1948 में आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बता दें कि यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के वजह से पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आईबीएम के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? ऑप्शन ए अरविंद कृष्ण, ऑप्शन बी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन सी रोहन सेठी, ऑप्शन डी कृष्णा मल्होत्रा। देखिए, आईबीएम के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। बैंक ने घोषणा की है कि 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को क्लास बी निदेशक चुना गया है। बयान में कहा गया है कि कृष्ण जो है वो आपका 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। आईआईटी कानपुर से पढ़े अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अरविंद कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस पेशा से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए संतूर वादक, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी इंजीनियर। देखिए, देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया। वे 84 साल के थे। उनकी मौत जो है वो आपका दिल का दौरा पड़ने से हुई है। भारत की महान शास्त्रीय संगीत परंपरा में संतूर एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस लोकवाद्य यंत्र को शास्त्रीय परंपरा के एक अहम वाद्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। संतूर भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। संतूर मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। संतूर की उत्पत्ति लगभग 1800 वर्ष से भी पूर्व ईरान में मानी जाती है। बाद में यह एशिया के कई अन्य देशों में प्रचलित हुआ और उन देशों ने इसे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन किए। संतूर का भारतीय नाम सततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा है, जिसे बाद में फारसी भाषा में संतूर नाम मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए संतूर वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की वैज्ञानिक दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाने के साथ साथ वैज्ञानिकों की उपलब्धियों एवं महत्व को भी याद किया जाता है। इस दिन प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा अपने विभाग के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस दिवस को तकनीकी संरचनात्मक वैज्ञानिक जांच उद्योग एवं विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयास का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। 11 मई को भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति कहा जाता था और इसी की जो है इसी दिन को मनाने के लिए जो है आपका 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 11 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित है? एक बीमारी का नाम है ये। तो ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित है, जिसे पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी दिमाग यानी ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है। बता दें किसी भी उम्र का व्यक्ति इसके चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, अनुवंशिकीय रूप से नसों का कमजोर होना, संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्कीय क्षति या ट्यूमर की समस्या होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 15। देखिए सरकार वर्ष 2024-25 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्गो क्षेत्र में सुधारों के बारे में सिंधिया ने कहा कि उद्योगपतियों को 1 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीयर 2 और 3 शहरों में से महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। देखिए केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है, सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन सी इंफोसिस, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिलायंस ने खुदरा, डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।